दोस्तों अभी हम है डेनमार्क के अंदर और ये टैक्सी स्टैंड है सारा का सारा जो आप देख रहे हो। अभी यहाँ से है गुलमर्ग 12 किलोमीटर, हाँ यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी शेयरिंग के लिए। अभी देखते हैं उसका किराया कितना पड़ेगा हमको। अंकल जी गए हैं देखने के लिए, हमको इतना पता नहीं ना, हमसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, चीटिंग हो सकती है कुछ भी। तो अंकल गए, अंकल बोल रहे थे कि मैं बता दूंगा आपको जैसे भी है। यहाँ से जाती है टैक्सी जाती है, बस वगैरह कुछ नहीं जाता डेनमार्क के लिए, गुलमर्ग के लिए। दोस्तों हमने गाड़ी ले ली है गुलमर्ग के लिए और शेयरिंग की है हमने साथ में है, 6% है हम, 2000 रुपये किराया बोला है ऊपर के लिए 12 किलोमीटर के लिए, 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर के लिए अप एंड डाउन। तो 333 रुपये हमको पर पर्सन का अप डाउन का पड़ा है, ठीक है। अब व्यू देख सकते हो, दोस्तों अभी हम गुलमर्ग से हम ऊपर जा रहे हैं ना गुलमर्ग के लिए, तो यहाँ चैन लगानी पड़ती है और चैन लगाने के बाद ही ऊपर जाया जाएगा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, गिरने का खतरा है। एक अभी कुछ ही टाइम पहले नीचे थार गिर गई थी मोड़ते हुए, एकदम नीचे खाई में गिर गई थी, उसका भी पता नहीं है क्या क्या है उसका क्या नहीं। पर यहाँ से यह चैन लगाने के बाद गाड़ी अभी आराम आराम से चल रही थी, अब पूरी स्पीड में दौड़ेगी चैन लगने के बाद। दोस्तों आप भी गुलमर्ग आना चाहते हो तो सुबह जल्दी आना, क्यों रास्ते में यहाँ जाम मिल सकता है और उनको गाड़ी वाले को भी अपना ये चैन चून लगाना पड़ता है, तो आधा एक घंटा इसमें ही चला जाता है। तो आप देखना कि आप सुबह जल्दी आए और ऊपर ज़्यादा टाइम लगाए गुलमर्ग में, कि गुलमर्ग में घूमने का बहुत कुछ है। इसमें लगेगा सभी, उसमें लगेगा ये चैन, दोनों में लगेगा पीछे दोनों में। अभी ऐसा लगता है ऊपर जाम लगा हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जाम लगा हुआ है। ये वन साइड लगा हुआ है, अभी पैदल पैदल चल रहे हैं, तो जाम है यहीं से है बस। दोस्तों यहाँ गाड़ी ऐसे ही फंस जाती है और अभी यहाँ के लोकल जो गाड़ी वाले हैं जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं वो अपने वो हेल्प कर रहे हैं इस गाड़ी को आगे निकालने के लिए, और जो जाम लगा हुआ है जाम खुल जाएगा ये गाड़ी चलने के बाद। इस गाड़ी पे चैन लगी हुई है, फिर भी ना नीचे एक सड़क पे चैन गिर के ऊपर से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी
चैन आप देखोगे। और सड़क का ना ब्लैक आइस जमी हुई है, जिसके कारण ऐसा कुछ कंडीशन हो रही है। और हमको ना वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे जाम के कारण, और जो ब्लैक आइस जमी हुई है उसके कारण। और जो रोड है बिल्कुल साफ है, नया बना है, पर ब्लैक आइस के कारण ना तो जाम लग जाता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तिसलती हैं यहाँ पर। जो यहाँ के लोकल है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पर चलाने के, और दूसरे जो आते हैं ना दिल्ली से, महाराष्ट्र से या चंडीगढ़ से, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस रोड पे चलाने का। ये देखो यहाँ पर ब्लैक आइस जमी हुई है। दोस्तों अभी आ गए हम गुलमर्ग, गुलमर्ग पहुंच गए हम, और यहाँ का व्यू एक नंबर, मजा आ रहा है घूम के। आप देख रहे हो ठीक है, अभी चलते हैं आगे। और हमारे साथ है, आगे दिखाता हूँ मैं, आगे मिलाता हूँ। तो अभी हम ले रहे हैं शूज, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। अभी हमें शूज एयरपोर्ट मिल रहे हैं 200 में। बैठियो ये 6 आसपास, जो कुछ जाएगा यही खराब होगा, अपना बच जाएगा। अभी 200 बोला है, अभी चेक कर रहे हैं साइज। ये ब्रदर की ये शॉप है गुलमर्ग के अंदर। दोस्तों अभी हम इसमें घूमेंगे, और इसका घूमने का किराया है 300 रुपये, और ये हमें 5 पॉइंट घुमाएंगे ये इसमें, दोस्तों दिखाएंगे बताएंगे भी। अभी ये पॉइंट है, ओके गुरुदेव, अरे हम चल दिए बाय। मजा आया है ना? हाँ जी, आपको ऐसा खुश हम करेगा क्या करा? ये हमारा मालिक लोग रहता है वहाँ। अच्छी हमको तनख्वाह मिलता है मेहनत के वहाँ। दोस्तों अभी आप ये देख रहे हो, ये शिव मंदिर है यहाँ पर, जो ऊपर है टॉप पे। अभी गुरुदेव भी आएगा, का व्यू समर में कुछ अलग है, वो आ रहा है में कुछ अलग है। आप देख, आप कौन से स्पीड देख रहे हो, कैसी आप देख रहे हो? हेलो हाय बाय, चलो अभी दूसरे व्यू से दिखाता हूँ मैं आपको। अरे सर जी कैसा लग रहा है आपको, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैम कैसा है? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, फुल एंजॉय चलता हुआ। और ये आ गए हमारे गुरुदेव जी। हेलो हेलो, ग्रुप का फोटो जोड़ी जोड़ी। ओ जा साइड में, बच्चा नीचे, ओ जा, ओ
चलो हूं ये सर है पठानकोट से, पठानकोट की जान आन बान शान। अरे आंख में नहीं मार रहा, बाकी हर जिस्म में। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? कोई नहीं, मैं डाल दूंगा। दोस्तों अभी हम ले रहे हैं कश्मीरी कावा। कश्मीर आए हो तो कश्मीरी कावा नहीं पिया तो उसका फायदा क्या हुआ कश्मीर आने का? ठीक है, तो गुरुदेव कर रहे हैं एंजॉय, बहुत मजा आ रहा है। कावा इसमें है, इसमें केसर है, केसर कुसर सब कुछ डाला हुआ, अखरोट है, बादाम अखरोट सब कुछ डाला हुआ है इसमें। दीजिए सर, हम भी टेस्ट करके देखते हैं। इसमें मीठा नहीं है ना, इसमें हनी होता है। वाओ, बहुत टेस्टी है कश्मीरी कावा। आगे आगे प्लेन पा, प्लेन पर पा। ऐसे नहीं, ऐसे ये देखो, यार मेरे को तो एक घुट भी नहीं मिला। आया मजा, आया मजा, ओए ओए आया मजा, ओए ओए आया मजा, ओए ओए। हाथ जमी ठंडे हो गए। मरा 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 मरा। अभी चलते हैं आगे आगे और लेते हैं मजे, फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आओ गुलमर्ग, फुल एंजॉय करो, फुल एकदम सांस चढ़ के बोलो जरा। सांस चढ़ रहा है, ऊपर आ रहे ना इसलिए। अभी चलते आगे। ओहो, टेम्परेचर कितना होगा यहाँ का? -10। गर्मी लग रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी।